हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेजिडुअल क्लासेस मॉड्यूल एम पर बेस्ड है और ग्रुप प्रूफ करने पर बेस्ड है। ये एक प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जनरली। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रेजिडुअल क्लासेस 1, 3, 5, 7 ये जी के अंदर के सेट है। ठीक है, सेट जी के मेम्बर्स हैं ये और के हमारा जो मॉड्यूलो 8 के मेम्बर्स हैं ये टुगेदर विद द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन बोला है मॉड्यूलो 8 का कैसे है, तो हमारा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो मॉड्यूलो 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 8 ऑफ रेजिडुअल क्लासेस मॉड्यूलो 8 फॉर्म अ ग्रुप। ये हमें बताना है कि ये एक फॉर्म करेगा ग्रुप में अगर आपका पास मॉड्यूलो 8 का केस हो तो। ठीक है, मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 8 और आपके सेट के जो मेंबर हैं वो 1, 3, 5, 7 दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इस कंपोजिशन टेबल की। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा था, तो कोई बात नहीं, अगर उसे आप नहीं देख लगना मैं यहीं पर बता देता हूँ। तो ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लाई 8। हमारे पास जो सेट में होते हैं, जैसे मैंने इन्होंने करली लिखा है ना, आप नॉर्मली लिख दो 1, 3, 5, 7 और यही मेंबर आपको यहाँ पर भी लिख देना होता है 1, 3, 5, 7। मल्टीप्लाई है 1, 1 जा 1, 1, 3 जा 3, 5, 7। देखिए रूल क्या कहती है, अगर जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 8 या 8 से ज़्यादा होता है तो आपको उस 8 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। अभी आपको पता चल जाएगा, जब भी 8 से ज़्यादा आएगा तो हम वही काम करेंगे। 3, 1 जा 3, 3, 3 जा 9, 8 से ज़्यादा आ गया है तो 8 से ज़्यादा आ गया तो क्या करना है, 8 से ज़्यादा है 9 आया है, आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से। 8, 1 जा 8 माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना है 1, तो इस 1 को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर देखिए, फिर क्या करोगे, 3, 5 जा 15 8 से ज़्यादा है ना, तो 8 1 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 और 3, 7 जो कितना आ जाएगा 21। 21 को आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से, 8 2 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3, 7 21 8 2 16 5 बचा। और ग्रुप में पता है क्या होता है, एक प्रॉपर्टी ये होती है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। 3 एक बार आ चुका तो एक ही बार में आएगा और सारे एलिमेंट एक बार में एक रो और एक कॉलम में एक ही बार आएंगे, यानी कि बार बार आएंगे। देखिए 3 यहाँ आया तो इसमें अब 3 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, ये ग्रुप की खासियत होती है, अगर ये ग्रुप बोला है ना शो दैट करके तो ऐसा ही होगा। 5, 1 जा 5 5 3 15 और 8 से करेंगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। 5 बचे 25 8 3 24 तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 5 7 35 35 है और 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 32 तो 3 बचेगा रिमाइंडर। फिर करेंगे 7 7 1 7 7 3 21 21 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5। 7 5 35 रिमाइंडर कितना बच जाएगा, भाग देंगे तो 8 से, 8 4 32 3 बच जाएगा। और 7 7 49 देखो 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, क्या नहीं आया 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए जब मैंने ऑपरेशन किया है कोई भी मेंबर इसके अंदर जो आए हैं वो 1, 3, 5, 7 ही हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया है, जो आउटसाइड ऑफ द सेट से तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ अगर अबेलियन प्रूफ करने के लिए बोलता है तो इस क्वेश्चन में नहीं बोला है अबेलियन प्रूफ करने के लिए, बाई चांस बोल देता तो क्या करते हैं। देखिए जो करस्पॉन्डिंग रो है और करस्पॉन्डिंग कॉलम है वो आपस में ना इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। ओके, ये चीज़ आप याद रखना, चलो मैं लिखवा भी दूंगा। अब आते हैं कैसे करोगे एग्जाम में, ये बना दिया, प्रॉपर्टी 1 पे आ जाऊँ। प्रॉपर्टी 1 में क्या लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है क्योंकि आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट कोई आया नहीं है। आप ऐसे लिखना, बाई सीइंग सीटी इट इज़ क्लियर दैट एवरी एलिमेंट्स belongs to the set. Hence, closure property is satisfied. इतना लिख दो क्योंकि आपने 90% काम यहाँ करके दिखा दिया है एग्जामिनर को, तो वो समझ भी जाएगा। ठीक है,
सेकेंडली आप क्या लिखोगे, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या लिखोगे, अगर आप एसोसिएटिविटी क्या लिखना है, आपको बस ये लिख देना है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। Is associative in general, ठीक है। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोई सी भी दो मेंबर को जब किया था आउटसाइड कोई आया नहीं था, ठीक है, तो एसोसिएटिव इन होल्ड होती है, ये आप लिख देंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, वैसे रूल क्या कहता है, आपके पास कोई अगर ए है, कोई मेंबर है, उसको एक आइडेंटिटी ऐसी ही होती है, उसको ऑपरेट करने से फिर से ए ही मिलता है, चाहे ऑपरेशन आगे से कराओ चाहे ऑपरेशन पीछे से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो हमारे पास एक ऐसा मेंबर क्या है जिसको मैं उसी से ऑपरेट कराऊँ तो वही आ जाए वन। वन को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाए, थ्री वन जा थ्री, फाइव वन जा फाइव, सेवन वन जा सेवन, सो देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट ई इक्वल्स टू वन बिलोंग्स टू द सेट एस, लिख दो सेट को एस मान लो, ठीक है। तो आइडेंटिटी एग्रीमेंट भी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लिख दोगे द ई इज इक्वल्स टू वन, ब्रैकेट में लिख देना आइडेंटिटी, इज एग्जिस्ट। तो प्रॉपर्टी थर्ड भी हमारा प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी फोर में, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होती है, अगर आपके पास कोई ए है उसको आप ऑपरेशन कराओ तो ए इनवर्स है, तो आपको आइडेंटिटी ही मिलनी चाहिए, और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, वन है, ठीक है। तो और चाहे ऑपरेशन आगे से कराओ या चाहे ऑपरेशन पीछे से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट एस, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब सोचो, ये आइडेंटिटी तो हमारे पास यूनिक होती है, एक थ्योरम भी मैंने प्रूफ करा रखा है, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। अब मैं आपको यहाँ से कंपोजिशन टेबल से ही दिखाता जाऊँगा कि ठीक है, वन का आप किससे ऑपरेट कराएंगे कि वन ही मिले, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी तो वन है, देखो आइडेंटिटी वन है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ इनवर्स ऑफ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन को आप किससे ऑपरेट कराएंगे कि वन मिले, वन। इनवर्स ऑफ फिर एलिमेंट क्या है, थ्री को आप किससे ऑपरेट कराएंगे कि आपको वन मिले, देखो थ्री थ्री जो वन आया है तो थ्री का इन्वर्स क्या हो जाएगा, थ्री। फाइव को आप किससे ऑपरेट कराएंगे कि आपको वन मिले, फाइव से, क्योंकि पाँच पचे पच्चीस, आठ तीन चौबीस, एक आ गया। फिर इन्वर्स ऑफ सेवन, सेवन ही आएगा। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो सारे डिफरेंट भी हैं। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, सिंस ऑल द प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड हैंस इट इज ग्रुप, ये आप लिख देंगे। बट अगर एग्जामिनर बोल देता है कि अबेलियन ग्रुप भी प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये लिखेंगे सिंस बाई सीइंग कंपोजिशन टेबल, आप ऐसे लिखेंगे बाई सीइंग कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम आर इक्वल आर या फिर आइडेंटिटिकल, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वन थ्री फाइव सेवन यहाँ पर भी है, वन थ्री फाइव सेवन यहाँ पर भी है, थ्री वन सेवन फाइव, थ्री वन सेवन फाइव, फाइव सेवन वन थ्री, फाइव सेवन वन थ्री, सेवन फाइव थ्री वन, सेवन फाइव थ्री वन। तो करस्पॉन्डिंग रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, आइडेंटिकल दिख रहे हैं, और यही आपको लिखना है। बाई सीइंग कंपोजिशन टेबल इट इज़ क्लियर दैट करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम आर आइडेंटिकल, हैंस इट इज़ कॉम्यूटेटिव, लिख देंगे आप। और एंड पे आपको क्या लिखना है, सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स बींग अ ग्रुप इज सेटिस्फाइड हैंस इट इज एन अबेलियन ग्रुप, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने को नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।